हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 16 को। इस पाठ का नाम है बच्चों श्रम की महिमा, यानी परिश्रम की महिमा। ठीक है, श्रम मीन्स क्या होता है बच्चों? परिश्रम। ये जो पाठ लिखा है बच्चों, वो लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों, ये इन्होंने कविता लिखी है। आप जाके मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, इस कविता का मैंने वर्णन किया है वहाँ पर, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। ठीक, तो उस कविता के वर्णन का मैं वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं इस कविता के प्रश्न उत्तरों को। तो इस कविता का बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है, वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए हैं बच्चों। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है, वो है धरती में बीज बोता है। तो सभी को पता है बच्चों, धरती में बीज कौन बोता है? किसान बोता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरे नंबर पे विकल्प दिया है किसान, वही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा का नंबर वाले प्रश्न का। ठीक है, लोहार, जमींदार, सफाई कर्मचारी, ये धरती में बीज बोने का काम नहीं करते। कहीं ना कहीं लोहार लोहे का काम करता है, जमींदार जमीन जमीन का काम करता है। ठीक है, और सफाई कर्मचारी सफाई का काम करता है। तो जो बीज बोने का काम है वो सिर्फ किसान ही करता है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जो खा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है सूत काट कर कपड़ा बुनता है। तो सूत कात के कपड़ा बुनने का काम बच्चों जुलाहा करता है। ठीक है, तो इसमें जो तीसरे नंबर का विकल्प है वही आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ई का काम अलग होता है, कुम्हार का काम अलग होता है, व्यापारी का काम अलग होता है। ठीक है, बढ़ई का काम कपड़े, ये सॉरी, जो हमारी लकड़ी वगैरह से रिलेटिव रहता है। कुम्हार का काम मटके वगैरह बनाने का, और ये व्यापारी का काम क्या रहता है? व्यापार से संबंधित। ठीक है, जो अगला वाला प्रश्न है गा नंबर का, ये है बापूजी से मिलने पहुंचे थे। तो जब बापूजी आश्रम में थे, साबरमती आश्रम में थे, तो वहाँ वो उनसे मिलने के लिए एक वकील साहब आए थे बच्चों। अगर आप कविता में पढ़ेंगे तो उनसे मिलने के लिए एक वकील साहब आए थे। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा वाला विकल्प है ये सही होगा, वकील। ठीक है, जो घ नंबर वाला प्रश्न है, ये है बापूजी पूजा के समान मानते थे। तो बापूजी श्रम को, यानी कि मेहनत को, पूजा के समान मानते थे। ठीक, तो इसमें जो दूसरा वाला विकल्प है श्रम करना है, ये सही हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस कविता में बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर का नंबर का रिक्त स्थान है, किसान धरती में डैस गाड़ता है। तो किसान धरती में बच्चों बीज गाड़ता है। ठीक है, जब उसे फसल उगाना होती है तो वो धरती में बीज गाड़ता है, उन्हीं बीजों से फसल उगती है और उसी से वो धन इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीज। ठीक, खा नंबर है गांधी जी अनाज से डैस चुनते थे। तो अनाज से कंकड़ चुनने का काम करते थे गांधी जी, क्योंकि है ना, जब अनाज को पीसा जाता है तो उससे पहले उससे कंकड़ अलग कर लिए जाते हैं। तो आश्रम में ये कंकड़ चुनने का काम करते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा कंकड़। बच्चों, जो गा नंबर वाला रिक्त स्थान है, वो है गांधी जी को काम डैस से करना भाता था। तो वो गांधी जी को स्वयं से काम करना भाता था, वो हमेशा अपना काम स्वयं करते थे, वो किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा स्वयं। ठीक, गा नंबर वाला है रिक्त स्थान, गांधी जी कपास डैस के जैसा ही धुनते थे। तो जिस तरीके से जुलाहे कपास धुनते हैं, उन्हीं की तरह गांधी जी भी कपास को धुनते थे। ठीक है, कपास को धुनने का काम होता है बच्चों जुलाहे का। ठीक है, तो
तो यहां पर हम लिखेंगे जुलाहा, जुलाहे के समान। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक दो भी पूर्ण होता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक तीन को हल करेंगे जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क नंबर वाला प्रश्न है, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो बच्चों सामान्यतः व्यक्ति को बड़ा या छोटा उसके काम के आधार पर माना जाता है। कोई अच्छा काम करता है उसे बड़ा माना जाता है, कोई निम्न स्तर का काम करता है उसे छोटा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के काम समान है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। कवि का ये आशय है कि सभी व्यक्ति समान होते हैं, ना कोई किसी से बड़ा है ना कोई किसी से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, कवि का इस पंक्ति से आशय है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। मतलब व्यक्ति सभी समान होते हैं, चाहे वो कोई भी काम करता हो। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई सफाई कर्मचारी है और कोई ऑफिस में बैठा हुआ अधिकारी है, तो वो अपने काम के आधार पर बड़े या छोटे नहीं हो जाते। ठीक है, वो व्यक्ति दोनों ही समान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक का उत्तर दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। बच्चों जैसा कि इस कविता में दिया है कि जो गांधी जी थे वो आश्रम के सभी काम स्वयं कर लेते थे, क्योंकि उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। ठीक है, उन्हें अपना काम स्वयं करना अच्छा लगता था। जैसे कि आश्रम में वो खुद ही आटा पीस लेते थे, अनाज से कंकड़ बीन लेते थे, बहुत सारे काम वो स्वयं ही कर लेते थे, क्योंकि वो हर एक काम को पूजा के समान मानते थे। ठीक है, जैसा कि ये पाठ का नाम भी है श्रम की महिमा, तो वो श्रम को पूजा के समान मानते थे, इसलिए वो हर एक काम को स्वयं करते थे। बच्चों अब देख लेते हैं इसका उत्तर आप किस तरीके से लिखेंगे। गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं इसलिए करते थे क्योंकि गांधी जी के लिए कार्य करना ईश्वर की पूजा के समान था। वो कार्य को ऐसे ही मानते थे जैसे वो ईश्वर की पूजा कर रहे हों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत क्या है। तो कवि गांधी जी के बारे में ये कहते हैं कि गांधी जी सभी कामों को समान मानते थे और श्रम को पूजा के समान मानते थे, कि वो ऐसा मानते थे कि श्रम ऐसा है जैसे वो ईश्वर की पूजा कर रहे हों। ठीक, तो गांधी जी काम के आधार पर किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं मानते थे, वो सारे के सारे काम अपने आप ही स्वयं ही करते थे। तो कवि का आशय ये है, ऐसे थे हमारे गांधी जी, मतलब इतने महान थे गांधी जी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, गांधी जी श्रम को ईश्वर की पूजा के समान मानते थे, वे सभी कार्यों को समान मानते थे, किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे, अतः वे आश्रम के सभी कार्यों को स्वयं करना पसंद करते थे। ऐसे थे गांधी जी संबोधन से कवि का संकेत इस ओर है। ठीक है, कवि ये कहना चाहता है कि गांधी जी इतने महान थे इन कार्यों की वजह से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है गांधी जी ने सेवा के कार्य को ईश्वरीय कार्य क्यों माना है। तो बच्चों गांधी जी दूसरों की सेवा हमेशा करते रहते थे क्योंकि वो सेवा के कार्य को ईश्वरीय कार्य मानते थे। ऐसा उनका मानना था कि अगर हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो वो ऐसा है जैसे हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं या फिर ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो गरीबों को ईश्वर के रूप में देखते थे। ठीक है, इसलिए गांधी जी सेवा के कार्य को ईश्वरीय कार्य के ईश्वर की सेवा के रूप में देखते थे। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, गांधी जी के काम करने के पीछे जो भावना है वह सेवा की है। मतलब वो हमेशा जो भी काम करते थे वो उसमें सेवा की भावना निहित रहती थी।
गांधी जी का मानना है कि हमें सभी कार्य अपने हाथों से करना चाहिए। मतलब वो ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति को सभी काम अपने हाथों से अपने आप ही करना चाहिए, किसी काम के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। गांधी जी की नज़रों में सभी कार्य एक समान है, अतः गांधी जी ने सेवा के कार्य को ईश्वरीय कार्य माना है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। जो 11 नंबर का प्रश्न है वो है, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि कार्य के आधार पे कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, और हमें सभी काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं हमें इस कविता के माध्यम से मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से दे सकते हैं बच्चों, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी कार्य सेवा के भाव से करना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी प्रकार, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। क्या हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच है तो वो कार्य बेकार है। ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर सेवा का भाव है तो वो ऐसा है जैसे हम ईश्वर ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, इस तरीके का वो कार्य है। किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, मतलब सभी कार्य समान है। क्या किसी में ये भावना होगी कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये छोटा कार्य हम नहीं करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो किसी भी जो भी कार्य कर रहा है उसे एकदम पूजा के समान, जैसे ईश्वर की पूजा कर रहा हो इस तरीके से देखता है, तो वो व्यक्ति हमेशा सफल होगा। ठीक है, सभी कामों को समान मानना चाहिए। तो ये इस कविता से हमें सीख मिलती है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व क्यों देते थे? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी इसलिए महत्व देते थे क्योंकि गांधी जी सभी कार्यों को समान समझते थे। उनका ऐसा मानना था कि छोटे कार्यों से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है। मतलब जब हम छोटे छोटे कार्य करते हैं तो उसी से ही हम उन्हीं छोटे कार्यों के माध्यम से कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत छोटे कार्यों से ही होती है बच्चों। ठीक है, तो छोटे कार्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि बड़े कार्य। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।